जय जय प्रीत, जय प्रीत सर जय जी। गुंजन। तो प्रीत, मैंने को होस्ट कर चुना ओ नथी तो ना, इशू था पहला तू लॉग इन कर देने तो पछि मारे मने ना ऑप्शन आप लू होस्ट पर। हूँ पहला थी जाऊँ पछि तू आवे तो वांधो नहीं। थैंक यू। हमारी चर्चा इसमें 31 नंबर गाथा पर पूरी हुई थी। जिसमें हम ये देख रहे थे कि निश्चय से स्तुति क्या है, तो जो इंद्रियों को जीत कर और आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक अर्थात भिन्न जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय हैं, और यही निश्चय से स्तुति है। तो इस 31 नंबर की 31 नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ये जीव अनादि काल से इन इंद्रियों को आत्मा जानता रहता है और इनमें ही अपनापन स्थापित किए रहता है, इनमें जमा रहता है। इसे इंद्रियों की अधीनता बोलते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने भी इंद्रियों को जीतकर और आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक जाना है अर्थात भिन्न जाना है, वे ही वस्तुतः जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय पर इतना जोर क्यों दिया कि भाई निश्चय से भगवान को जितेंद्रिय कहना वो निश्चय स्तुति है, क्यों? आत्मा जानता रहता है और आत्मा जानने के कारण इनमें ही अपनापन स्थापित किया रहता है। तो ये इंद्रियों की अधीनता यहाँ बताई थी कि किस प्रकार से ये इंद्रियों की अधीनता है। एक बार ये स्वरूप का अवलंबन ले, तो स्वरूप का अवलंबन लेने के कारण ये इंद्रियों को जीत जाता है और इंद्रियों को जीत कर ये स्वयं में स्थापित हो जाता है। इसे भी यहाँ निश्चय स्तुति का नाम यहाँ दिया गया है। तो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट निश्चय स्तुति, सो आर टॉपिक वॉज व्यवहार स्तुति या निश्चय स्तुति। सो आचार्य जस्ट नरेटेड इन 31 नंबर गाथा निश्चय स्तुति। सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट निश्चय एंड व्यवहार स्तुति। इफ वी आर जस्ट नरेटिंग अबाउट द बॉडी एंड द अतिशय ऑफ जिनेन्द्रिय, दैट इज कॉल्ड व्यवहार स्तुति। एंड इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट गुण ऑफ जिनेन्द्रिय लाइक जितेंद्रिय, इट इज कॉल्ड निश्चय स्तुति। तो जो इंद्रियों से भिन्न है जीव, एक तो वो जितेंद्रिय कैसा मानते हैं कि इंद्रियों से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, एक शब्द आएगा बार बार आपको, टंकोत्कीर्ण, मतलब जैसे पत्थर में टांकी के द्वारा कुछ उकेर दिया जाता है तो वो स्थाई कहलाता है। जैसे आप देखेंगे ना कि पहले कागज नहीं हुआ करते थे, और होते थे तो कागज पे कोई प्रूफ नहीं लिखते थे, पहले शिला लेख लिखे जाते थे। शिलाओं पर लेख लिख दिए तो उससे ये ज्ञात होता था कि पहले ऐसा हुआ था, ये ग्रंथ था, ये आचार्य परंपरा थी। तो ऐसे एक शब्द आया है टंकोत्कीर्ण। तो जो भी जीव इस जीव को इंद्रियों से अत्यंत भिन्न जानता है,
एकत्व में टंकोत्कीर्ण जानता है, अविनश्वर मानता है। अविनश्वर अर्थात कि मैं तो कभी नष्ट होने वाला हूं ही नहीं। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतर में प्रकाशमान रहता है, मतलब सामने सामने हम ज्ञान की ज्योति से उसे प्रकाशमान देखते हैं, और स्वतः सिद्ध एवं परमार्थ रूप है। वो स्वतः सिद्ध है, आत्मा कैसा है, स्वतः सिद्ध, उसे किसी की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जल क्यों शीतल है, तो इसे हम बोलते हैं कि इट्स अ नेचर ऑफ वाटर, दैट्स वाई इट्स कूल। तो स्वभाव है, स्वतः सिद्ध है, उसका शीतलपना स्वतः सिद्ध है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव स्वतः सिद्ध होता है, उसमें कोई तर्क नहीं चलता। इसी तरह से ये जो जीव है ना, ये स्वतः सिद्ध है, इसमें आप कोई तर्क नहीं चलेगा कि इसे किसने बनाया, बोले स्वतः सिद्ध है। और ऐसा जानकर अनुभव पूर्वक उसी जीव में, जीव स्वभाव में अपनापन करना ही इंद्रियों को जीतना है। तो ये यहाँ बात चल रही है निश्चय से स्तुति, अर्थात इंद्रियों को जीतना क्या है। तो एक तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था कि जो अपने भिन्न भिन्न विषयों को अपना ग्रहण करती हैं, वो द्रव्य इंद्रिय हैं जिनके द्वारा जाना जाता है। अंतरंग में उन भावों को जानने वाली जो इंद्रियां होती हैं वो भाव इंद्रिय हैं। तो द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय दोनों से जो हैं वो रहित हो गए हैं, उन्हें रहित माना है अपने आप को। ऐसे वे जितेंद्रिय हैं, और वे ही जितेंद्रिय जो हैं वो अविनश्वर, प्रत्यक्ष, स्वतः सिद्ध, परमार्थ रूप से अपने जीव तत्व को जानते हैं, और उसी में दे जस्ट एस्टेब्लिश देमसेल्फ देयर ऑन, उसे बोलते हैं कि इंद्रियों को उनने जीता है। तो इस तरह से हमारी ये 31 नंबर की गाथा पूरी हुई थी। फिर हमने 32 और 33 नंबर की गाथा पढ़ ली थी हमने, वैसे तो पढ़ते हैं फिर से। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़िए। जो मो सर एक हम क्वेश्चन यहाँ तुझ पे, सर एक क्वेश्चन हाँ यहाँ पे, अगेन हमने बहुत बार ऐसे डिस्कस किया है, पर जैसे कोई एकदम निश्चय से ही इस बात को ले ले और फिर मतलब ऐसे कहे कि मैं स्वयं ही सिद्ध हूँ, मतलब स्वयं सिद्ध के प्रमाण मतलब की तरह हूँ, और मतलब स्तुति और ये सब, मतलब मंदिरों में जाना और वो सब भी नहीं करके मैं सिर्फ घर बैठ के ये सब करूंगा, तो उससे हम मिथ्या ही कहेंगे या उसे हम किस तरह से लेना चाहिए? नाम दिया है निश्चय भासी। तो निश्चय भासी मतलब कि जो निश्चय ने का सही जानकार तो नहीं है, अपितु तो उसने निश्चय ने का अर्थ स्वच्छंदता के रूप में प्रयोग कर लिया, उसे निश्चय भासी कहते हैं। इसका डिटेल में वर्णन दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में। तो वहां ऐसा कहा है कि निश्चयाभासी ऐसा मानता है कि वर्तमान में ही मैं सिद्ध सम्मान शुद्ध हूं। तो पंडित जी वहां कहते हैं कि भाई अगर तुम सिद्ध सम्मान शुद्ध हो तो केवल ज्ञान तो वज्रपटलादि आगे आड़े आ जाए, तो वज्रपटलादि आड़े आने पर भी वो तो केवल ज्ञान रुकता ही नहीं। वो तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप सिद्ध सम्मान शुद्ध अभी हैं नहीं, तो कैसे हैं आप? तुमने बताया सिद्ध समान शुद्ध अभी नहीं है कोई भी संसारी जीव, अपितु उनमें सिद्धत्व प्रकट करने की सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य है और सिद्ध समान शुद्ध है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर कोई जीव ऐसा मानता है कि मुझ में सिद्ध समान शुद्ध होने की सामर्थ्य है, सो तो वो सही मानता है। लेकिन वर्तमान में सिद्ध समान हूं और इसमें भी वो नए नए की अपेक्षा नहीं बताए, तो भी वो नहीं माना जाएगा। तो मुझे पता है ऐसे कई लोग हैं, आई हैव ऑल्सो जस्ट मेट मैनी पर्सन, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और वो इस प्रकार से ऐसा ही मानते हैं। मतलब यू नो आई जस्ट
टेक मैनी प्रवचन इन क्लासेस, सो देर आर मैनी पीपल, दे जस्ट इंस्ट्रक्ट मी। सौरभ जी, केवल एक शुद्ध बात बताना, और कोई बात मत बताना। तो मैंने कहा, आई एम अ टीचर एंड आई नो विच इज फेवरेबल, विच इज सूटेबल इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, एंड सो आई विल टेल व्हाट एवर आई थिंक विल बी अप्रोप्रिएट फॉर आवर ऑडियंस। उनके कहने का तात्पर्य ये रहता है कि आप ये मत बताओ कि मंदिर जाएं, ये मत बताओ कि पूजन करें, ये मत बताओ तीर्थ यात्रा करें, ये मत बताओ साधारण वात्सल्य दान दें। तो मैं सबसे इस बारे में ये बोलता हूँ कि वेन एवर आई एम डिस्कसिंग अबाउट निश्चय, सो डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट ओनली दैट, बट वेन एवर देर इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्यवहार ने, देन आई विल टॉक अबाउट व्यवहार ने। बट इफ यू जस्ट इंस्ट्रक्ट मी ओनली टॉक अबाउट निश्चय ने, निश्चय ने दैट इज ओनली ट्रू, ऑफकोर्स निश्चय ने इट सेल्फ इज ए ट्रू, बट व्यवहार ने जो है, व्यवहार ने अपने आप में ट्रू है। तो अभी भी आचार्य उसी तरफ हमें इंडिकेट कर रहे हैं इन गाथाओं में भी, कि व्यवहार की जो स्थिति है वो ऐसी है, निश्चय की जो स्थिति ऐसी है। तो कुंजन जी, कई लोग ऐसा मानते हैं, और अगर वो ऐसा मानते हैं तो वो गलत मानते हैं, वो निश्चयाभासी हैं पंडित टोडोमल जी के अनुसार। तो हाँ सर, अभी सर यहाँ सामर्थ्य का बहुत ही इम्पोर्टेंस है वर्ड को। सामर्थ्य मतलब उसको अगर अभी से हूँ उसे माने से अगर सामर्थ्य है वो मानना सही होगा। ठीक है सर। सर मैंने निकालिए 32 का था। अब सवाल ये, तो वो कन्या भी तो माँ बन सकती है ना? तो बोले सर हाँ, जी बन आप, सकती है, लेकिन अभी सर जी वो, आपकी आवाज कट गई थी, हेलो, सर जी आपकी आवाज कट गई थी, आपकी आवाज अच्छा कट कट गई थी। गई आप फिर थी। से एक स्टार्टिंग से मतलब बोलिए जो बोले। हाँ, एक उदाहरण आता है कि किसी यहाँ पुत्री उत्पन्न हुई, और सब वही पुत्री का उत्पन्न हुआ, भाई उत्पन्न हुई मतलब स्त्री है, तो भाई संतान को जन्म दे सकती है वो भी। तो अभी लड़की पैदा हुई है, तो किसने पूछा कि साहब ये माँ बनेगी कि नहीं बनेगी? बोले हाँ साहब, बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? तो अभी बन सकती कि नहीं? बोले नहीं साहब, अभी नहीं बन सकती, शक्ति रूप में इसमें विद्यमान है कि ये समय आने पर मातृत्व को प्राप्त होगी, जब ये 18 साल की हो जाएगी, 20 साल की हो जाएगी, और इसकी शारीरिक संरचना वैसी हो जाएगी, तब ये मातृत्व को, मातृत्व जैसी सुखद अवस्था को प्राप्त होगी, अभी नहीं है। तो बोले अभी क्यों इसको माँ कह रहे हो आप? भारत देश में जो रहता है ना कि भाई कन्या को बहुत पूजा जाता है, यहाँ एक एक हिंदू माइथोलॉजी में एक त्योहार भी आता है, वो जिस दिन कन्या को पूजते हैं, तो वो क्यों पूजा जाता है कि भाई वो जननी है, वो संसार को जन्म देने वाली है, इसलिए पूजा जाता है। तो समर्थ है, आई थिंक सौरभ जी गॉट डिस्कनेक्टेड। लेट्स वेट 2 मिनट्स। हाँ, तो समर्थ होना सर जी आप अलग बात है, आपकी आवाज चली गई थी। और सम्मान प्रकट होना अलग बात है। सर जी बहुत बड़ा हेलो, अच्छा एग्जाम्पल था। हाँ सर जी आवाज आई, बीच में लास्ट की थोड़ी कट गई, लेकिन एग्जाम्पल एकदम अच्छे से फिट हो रहा था। मतलब समझ में आया कि आगे की क्या सामर्थ्य था और क्यों मतलब कैसे कैसे समझे। तो ऐसे ही है। इवन पता है आपको, हेलो, हाँ सौरभ जी
तो ऐसी ये स्वच्छंदता लोगों में स्वाभाविक रूप से आ जाती है, या तो जो स्वयं पढ़ते हैं वो, मतलब मैक्सिमम स्वयं पढ़ते हैं उनमें आ जाती है, या फिर कोई उनको ऐसा समझाने वाला भी ऐसा ही मिल जाए कि व्यवहार में तो झूठा है कोई, आप दान काम के लिए अपेक्षा की कथन करे। अपेक्षा की तो कथन हम भी ऐसे ही करते हैं ना कि नीचे की अपेक्षा से व्यवहार ने अभूतार है, लेकिन वो कोई अपेक्षा तो ना बताए, वो सर्वथा वैसी बात करे। तो सर्वथा यदि वो वैसी बात करता है तो वो बात सही नहीं है। तो इस नंबर की गाथा में हमें यही बताया जा रहा है कि निश्चय क्या है। सर जी आप है, आपकी आवाज चली गई। सर लेट मी कॉल सौरभ जी, दिस टाइम आई एम प्रिपेयर्ड आई थिंक। सर जी हाँ, तो हम लोग भी इसलिए, देखिए मैं आप लोगों से बीच बीच में ये बोलता जाता हूँ कि निस्सत्यार्थ व्यवहार को जहाँ जहाँ सत्यार्थ कहा जाता है वो निश्चय की से कहा जाता है, और ये नॉट सर जी आपकी आवाज बहुत ही कट रही है, मुझे वो लगता है मैं निश्चय कॉल स्थित करूँ क्या। बता रहे हैं बोलता, और उसी में से आपने ये क्वेश्चन। हाँ सर जी, सर जी वो पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसको। सर हेलो, आवाज नहीं आ जी रही आपकी क्या? आवाज आ रही है बीच में और कट रही है। ठीक हाँ, अभी है सर जी। सर अभी आ जी जाएगी। मैं बोल रहा था कि ये कोई चलिए, नए को बत्तीस अगर नंबर की इग्नोर गाथा। कर दे और नए को अच्छी से ना समझ सके तो शास्त्र पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, और कितना मतलब और भी मतलब जैसे आपने कहा नया भाषी होगा वो बहुत ही मतलब हार्ड है, मतलब इसलिए इस समय सर जी ग्रंथ में बहुत अच्छे से समझाया गया है और बार बार उसको रिपीट किया गया जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, बार बार समझाया गया है। देखिए, एक हमारा ग्रंथ है नए चक्र करके, तो हाँ सर नए चक्र है, श्री माइल धवल ने लिखा है, तो वो नए चक्र में बहुत डिटेल में सब कुछ दिया है कि किस तरह से कौन कौन से नए का क्या स्वरूप है और किस नए का कहाँ प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण भी दिए हैं उसमें, भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश है वो। तो मूल जो नए चक्र व्यवस्थित मिलता है, या जो हुकुमचंद जी भारल ने नए चक्र लिखा है, वो उसी के आधार से लिखा है। पर हम टाइम टू टाइम वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट, नए कर ही रहे हैं वो तो। हम हाँ सर जी, तो चलिए, क्योंकि मैंने पढ़ते हैं हम कल लोग ही टेस्ट बत्तीस दी और नए तैतीस चक्र नंबर की की आप गाथा बताए ना, पढ़ते हैं। मैंने अभी जन अभी टेस्ट दी और नए चक्र से लेकर अभी। हाँ, क्या होता है ये जिनवाणी का पढ़ना पता कैसा है, जैसे कि आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं काफी सारी, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको इनको ना 6 साल तक लेना पड़ेगा, तो प्रतिदिन आप लो 6 साल तक। तो बोले नहीं, हम 6 साल वेट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा जल्दी आप सही करो। तो कहते हैं नहीं, ये औषधि जो है ना, कम मात्रा में आपको ये असर करेगी ये, लेकिन आपको लेना धीमे ही धीमे पड़ेगा। ऐसी जिनागम भी क्या है कि अगर आप ऐसा सोचें कि मेरी जो लर्निंग कैपेसिटी है, आई एम इंटेलिजेंट इनफ एंड आई कैन लर्न एनीथिंग विद इन एन आवर और विद इन अ डे, एंड आई एम कैपेबल टू स्टडी 8 आवर्स इन अ डे, तो कहते हैं आपकी कैपेसिटी हो सकती है 8 घंटे पढ़ने की प्रतिदिन, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये तो बहुत धीमी धीमी प्रक्रिया है, आपको जैसे जैसे भाव भाषण होगा, जैसे जैसे चीजें समझ में आएंगी। सो टू स्टडी जैनिज्म लाइक टू स्टडी लाइफ,
लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अभी ऐसा सोचते हैं अपने आप को कि वी हैव बीन मैच्योर, तो आफ्टर 40 मैच्योर होते हैं लोग, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक के जीवन में हम बहुत सारे हम अप्स एंड डाउन देख चुके हैं, हम कई लोगों को अपने सामने जाते हुए देख चुके हैं, इसलिए हमें ये ज्ञात हुआ कि भाई जाना पक्का है। मतलब जब हम 20 साल के रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे सामने नहीं जाते, तो उस समय ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि लोग भी, मतलब किसी का मरण भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हम समझते जाते हैं कि व्यय होना अवश्य संभावी है, वो मेरा हो, मेरी फैमिली वालों का हो, दोस्तों का हो, मिलने वालों किसी का भी। तो अब हम लाइफ को समझने लगे हैं, इसलिए अब हमें किसी चीज में आश्चर्य नहीं हो। है कि ये व्रत, भक्ति, उपवास ये कोई काम के नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूं? हमें पता है कि अगर वहां लिखा है तो किस नए की अपेक्षा से लिखा है, और हमें उस नए का प्रयोग कैसे करना है। उदाहरण आया, जिस तरह से कुशल धनुर्धारी जो होता है, वो अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग किसी सुयोग्य गुरु के निर्देशन में पहले तो सीखता है, और फिर उसका प्रयोग बड़ी सूझबूझ से करता है। इसी तरह से नयों का प्रयोग भी, कहाँ कौन से नए का प्रयोग करना, वो सूझबूझता से करना पड़ेगा। तो ये तो अभी स्टार्टिंग में तो आचार्य हमें इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, आगे तो फिर वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पूरा ग्रंथ निश्चय नए परख है ना, तो वो फिर इतना समझाएंगे भी नहीं एक एक दो अधिकार के बाद। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग 3233 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। जो मोहम तुजिता राण सहावा धियम मुण दियादम तम जिद मोहम साहू परमठ वियाणया विनती जिद मोहस्य दुजैया कीड़ो मोहो हविज साहुस तैयाहु खीण मोहो भणदि सोण छये विदुहिं। पढ़िए आप लोग एक साथ पढ़िए। अच्छा भी जो मोहम तुजनि ता प्राण सहावा धियम मुण दियादम कुलदियादम परमठ तमजिद मोहम साहुम परमठ वियाणया विनती। दियादम बेंती। देखिए क्या कह जिद रहे हैं यहाँ। मोहत दुजैया सर जी ओके 32 की बोल रहे हैं ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए, सब लोग बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अभी जिद गाथा पढ़ने के लिए। मोहत दुजैया खीनो मोहो हवेज हाँ साहुस तैयाहु खीन मोहो वनदि सोणिच्छया विदुहिं। सरब जी वो साहू साहुस है राइट साहुस हवेज साहुस किस कौन सी गाथा बोल रहे हैं? गाथा में जो जिद मोहस दूजैया खीणो मोह हवेज साहुस बराबर है। जिद मोहस जु जैया दु जैया खीणो मोहो हविज साहुस तैयाहु खीण मोहो। नदी तो जो 3233 नंबर की गाथा में है वो ये बोल रहे हैं कि जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा के एकांत करते हैं ना, इसका अर्थ निकालिए कुंजन जी। ये 31 का अर्थ चल रहा है अभी। सौरभ जी नीचे है कर मोह जय ज्ञान रूप
अज्ञान स्वभाव रूढ़िक वाला निकाला मैंने वो। चेंज किया गया, मुझे दिख नहीं आया, मुझे 32 नंबर की गाथा दिखती है। हाँ मैं 32 ही निकाली है, सॉरी। नहीं 32, इसका पेज चेंज कीजिए, उसका अर्थ तो आगे है ना। ओके हाँ सौरभ जी, लेकिन मैं सोच रहा था आप नीचे वाली वो हिंदी वाली पढ़ रहे। ठीक है सौरभ जी, एक हाँ सौरभ जी, ये हाँ तो पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पढ़िए आदर्श जी, आप पढ़िए, यहां से पढ़ना। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रकट उदय रूप होकर भावकपने से प्रकट होता है, तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा भाव्य उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा दूसरों ही दूर से ही अलग करने से इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से एकत्व में टंकोर कीर्ण निष्फल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थ भिन्न अपने आत्मा का जो अनुभव करता है वह निश्चय न से जीत मोह, जिसने मोह को जीता है ऐसा जिन है। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, इस समस्त लोक के ऊपर तीरता हुआ प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदैव अंतर में प्रकाशमान अविनाशी अपने से ही सिद्ध और परमार्थ सत ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति है। इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम दिया है, उसमें मोह। जी, हाँ इतना इतना समझ लेते रहे हैं। 32-33 नंबर की गाथा में, कि इसको सरल करके मैं समझाता हूँ आपको, कि यहाँ है कि मोह को जो जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, जित मोह जिन उनको कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। जिन्होंने मोह को जीत लिया, जिन्होंने मोह को जीत लिया है, ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा के द्वारा जिन्होंने मोह को जीता है और वो अन्य भावों से अपने स्वयं के स्वभाव को जानते हैं, तो परमार्थ के मोह को जीत लिया है। आगे 33 नंबर की हैं, जिन्होंने मोह को जीत ऐसे साधु जब मोह छीण कर सत्ता में से नष्ट हों, तब उस साधु को निश्चय जानकर क्षीण मोह कहते हैं। अर्थात उन्होंने इंद्रियों को जीत के कर्मों से रहित हो गए, तो उनको क्षीण मोह उनको कहते हैं, और ये क्षीण मोह कहना निश्चय से स्तुति है। अब पहले पहले भी एक निश्चय स्तुति की और इस स्तुति में बाबा कर दो है वो, तो इस बाबा क्या पूर्व, तो अभी तो आपकी पहले आवाज का कट जो निश्चय रही स्तुति है उसको हम जगह कहेंगे। दूसरे प्रकार की स्तुति मध्यम है, और तीसरे प्रकार की जो निश्चय स्तुति है उसको हम उत्कृष्ट निश्चय स्तुति कह सकते हैं। यहाँ 3 शब्द आप लोग याद रखिए, मैं बोलता हूँ यहाँ से। जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन, निश्चय स्तुति के मैं शब्द बता रहा हूं आपको। जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन
और क्षीण मोह जिन, जितेंद्रिय जन जिन हमने गाथा नंबर 31 में पढ़ा था, ठीक है, वो जितेंद्रिय जिन थे। और जो क्षीण मोह जिन हैं वो हमने अभी इस गाथा में पढ़ा है। तो तीन प्रकार के जिन, जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन 32 नंबर की गाथा में, और क्षीण मोह जिन वो 33 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा है। सौरभ जी तो एक इसमें मिनट, जो सौरभ जी एक मिनट, एक प्रश्न आ रहा है। हम जब जिन कह रहे हैं तो हम ऐसा माने नहीं, अरियंत को नहीं मान रहे क्या? मतलब क्योंकि आपने कहा जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन, तो हम जिन वर्ड नहीं, को यहाँ पे किस तरह से ले रहे हैं? अरिहंत ही ले रहे अपन तो। अरिहंत ठीक है, इंद्रियों को जीत लिया ना उनने, तो अरिहंत के यद्यपि इंद्रियां विद्यमान हैं तथापि उनने इंद्रियों को तो जीत लिया ना, क्योंकि मोह चला गया ना, उनका मोह क्षीण हो गया ना। तो जिनका मोह क्षीण हो गया उनको हम मोह क्षीण जिन बोलेंगे, और वे ही जितेंद्रिय जिन भी होते हैं। ठीक है सर जी। मतलब इंद्रियां, इंद्रियों की विद्यमान होने से वो, उनको इंद्रियां हैं ऐसा नहीं है, उनका मोह हाँ चला गया तो उनका तो इंद्रियों से भी समस्त प्रकार का मोह का अभाव हो ही गया ना। ठीक है सर जी, समझ गया अभी। खैर देखिए, इसमें जैसे जो क्षीण मोह जिन होने की प्रोसेस है, तो जित मोह जिन है, क्षीण मोह जिन है, तो ये प्रोसेस बड़ी, इसके पीछे तो बड़ी लंबी कहानी होती है। जब ये जीव प्रारंभिक काल में अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य निर्धारित करता है अपने जीवन में, वेन ही फिक्स द एम ऑफ सल्वेशन और सेल्फ रियलाइजेशन, देन ही स्टार्टेड मैनी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी जिनवाणी, एंड इन जिनवाणी देर इज नॉट ओनली वन थिंग बट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ जिनवाणी ही स्टडीड दैट टाइम। फिर उसके बाद वो अपनी रियलाइजेशन में लाता है, जिन धर्म की फिर महिमा गाता है। जिन धर्म की महिमा आना बड़ी आवश्यक है, मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, जिन धर्म की चीजें तो पढ़ रहे हैं ना, तो जिन धर्म की महिमा आना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हमें जब तक किसी की महिमा नहीं आएगी ना, हम उसमें प्रवर्तन ही नहीं कर सकते। भारत देश में जो है गुरु का बड़ा सम्मान और महिमा की बात बताई जाती है। इवन यहाँ का कुछ वातावरण ऐसा है कि जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक को अतीव सम्मान प्राप्त होता है। मैं एक किसी से मिला था प्रेरित जी, तो वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, हैं मतलब, तो मुझे पता था उनका पैसे का स्टेटस कि उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस पिताजी का बड़ा है, एंड ही इज अ टीचर, प्रोफेसर कह सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे कि आई नो अबाउट दैट यू आर वेल एस्टेब्लिश्ड एंड यू आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड योर फैमिली एंड यू आर ओनली द ओनर ऑफ ऑल दैट, देन व्हाई आर यू डूइंग दिस टीचिंग जॉब? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि शिक्षक का जो जो कार्य है वो संसार में सबसे सम्माननीय कार्य है, और इसमें पैसे से, पैसे का तो कोई महत्व नहीं, अपितु उस शिक्षा के द्वारा हम जब कुछ नहीं जानने वाले लोगों को बहुत कुछ जानने वाला बना देते हैं, संसार में जीना सिखाते हैं, इसलिए शिक्षा इज ए नोबल प्रोफेशन। तो उनको महिमा आई शिक्षा की, तो वो फिर उसमें इतने पैसे वाले होने के बाद भी उसमें उनने उनका इन्वॉल्वमेंट रहा एक्टिवली, वो अभी आज भी पढ़ा। ऐसे ही जिस व्यक्ति को जिन धर्म की महिमा आएगी ना, वो क्षीण मोह हो पाएगा, वो जित मोह हो पाएगा, वो जितेंद्रिय जिन हो पाएगा। और कदम कदम पे ऐसे देखेंगे तो जिनवाणी की महिमा कई जगह हमारे ग्रंथों में गाई भी गई है, बताई भी गई है। एक मूलाचार हमारा ग्रंथ है, आप लोगों को नाम बता ही रखा है मैंने पहले से, तो मूलाचार ग्रंथ की गाथा नंबर 698 गाथा है। उस गाथा में दो दो पंक्तियों में बहुत अच्छी जिन महिमा बताई गई, वहां क्या कहा कहा गया जानते हैं कि जन्म जरा मरण से पीड़ित से सहित इस जगत में बुढ़ापा और मरण रूपी महाशत्रु का जो निवारण करने वाले हैं, अर्थात उनको भगाने वाले,
ऐसे जिन शासन को छोड़कर अन्य कोई शरण नहीं है, सो ओनली जिन शासन ही शरण है, क्योंकि वही केवल आपके जन्म मरण रूपी जो शत्रु हैं उनको भगा पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि हम कोई भी जितेंद्रिय कब बन सकता है। जितेंद्रिय तो साहब जब इसको जिनदेव की महिमा है और फिर उसके बाद इसको आत्मा की महिमा है तब बन सकता है। तो यहाँ भाव भावक जो संकर दोष है उसका परिहार किया। और तीसरी स्तुति है भाव भावक के अभाव पूर्वक जो प्रकट होती है। तो जित मोह और क्षीण मोह का जो प्रतिपादन करने वाली 32 और 33 नंबर की गाथाएं हैं, उसका हमने ये जो अभी पढ़ा ना अपन ने, अपन ने जो अभी पढ़ा आदर्श जी ने, वो उसका ही पढ़ा है, टीका है वो एक्चुअली में आचार्य अमृतचंद की आत्मख्याति टीका का है। तो कह कि जो मुनि फल देने की सामर्थ्य उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होते हुए मोह कर्म के अनुसार प्रवृत्ति वाले भाव रूप अपने आत्मा को भेद ज्ञान के बल से दूर से ही अलग करके इस प्रकार मोह का बल पूर्वक तिरस्कार करके, अब देखिए मोह का बल पूर्वक तिरस्कार करके ऊपर आया है कि जो मुनि फल देने की सामर्थ्य रूप उदय से भावक पने से प्रकट होते हुए मोह कर्म के अनुसार, मतलब मोह कर्म का जब उदय आता ना तो भावक कर्तापने से प्रवृत्त होते हुए, परंतु वो आत्मा के भेद विज्ञान के बल से, आत्मा के भेद विज्ञान के बल से उस मोह को पहले ही से अलग कर देते हैं और उसको लिखा है यहाँ बल पूर्वक तिरस्कार कर देते हैं। अब बल पूर्वक तिरस्कार क्या होता है कि मोह कोई ऐसे थोड़ी जाने वाला होता है, हमारे मोह के जो परिणाम है वो कोई ऐसे साधारण परिणाम थोड़ी होते हैं। मोह के परिणाम तो बहुत तीव्रता के परिणाम होते हैं। तो यहाँ कहा कि वो जो मोह का उदय जो है फल देने की सामर्थ्य रखता है और वो कर्तापने से प्रकट होता है, भावकपने से अर्थात कर्तापने से प्रकट होता है, वो अपने भाव रूप अपने आत्मा के भेद ज्ञान के बल से ही दूर करके वो मोह को बल पूर्वक तिरस्कार कर देता है और समस्त भाव भावक संकर दोष दूर करके एकत्व में टंकुत को कीर्ण विश्व के ऊपर तैरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान अविनश्वर स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से ही सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं वे जित मोह जिन्हें। एक एक शब्द का अर्थ ले लेते हैं हम, है ना, कि भाव भावक संकर दोष मतलब कि मोह ने मोह कर्म का उदय आया और उसने उस कर्म में प्रकट किया तो भावक पने से और भाव्य रूप से वो उसमें प्रवृत्त नहीं होता, तो भावक रूप से उसमें प्रवृत्त नहीं होता अपितु मोह के बल से उसको पहले से ही तिरस्कार कर देता है। तो कहते हैं भाव भावक संकर दोष दूर करके, फिर जब वो दोष दूर हुआ तो क्या किया, यहाँ एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, आगे भी समय सार में ये शब्द रिपीट होंगे, है ना। एकत्व में टंकोत्कीर्ण, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने इसका आपको मीनिंग बताया, एकत्व में टंकोत्कीर्ण अर्थात कैसा है मेरा स्वभाव, मैं एकत्व में टंकोत्कीर्ण हूं। पहले क्या होता था, वचन चलते थे, वचन आप लोगों ने आदि पुराण में पढ़ा होगा कि दंड देने का विधान था पहले आदिनाथ के समय में, दंड देने का, तो किसी ने अपराध किया तो उसे हा बोल दिया, हा हाय मतलब तुमने बुरा काम किया, तो फिर जब और किसी को ज्यादा दंड देना पड़ा तो बोले माँ, और ज्यादा किसी ने बड़ा अपराध किया तो धिक, तो तीन शब्द बोले जाते थे कि साहब हा माँ धिक। तो उस समय लोग वचन के अपने एकदम पक्के होते थे, उस समय के अभी तक भाई अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वचन के पक्के होते हैं, मतलब वो कहते हैं जान चली जाए तो चली जाए लेकिन मेरा वचन नहीं टूटेगा किसी भी हालत में। तो कह रहे हैं एकत्व में टंकोत्कीर्ण मतलब वो स्थायी हो गए, वो शिला लेख शिला पर कोई छेनी हथौड़ी का प्रयोग करके और उस पे कुछ लिख दिया गया, तो कह रहे हैं साहब अब ये 1000 2000 4000 साल के लिए सुरक्षित हो गए, वहां तो खैर मिट जाता है काल का, काल के गाल में समा जाता है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं
कि एकत्व में टंकोत्कीर्ण जो जो है जीव तत्व है, अपने आप में टंकोत्कीर्ण है, अंकण है उसका, विश्व के ऊपर तिरते हुए, मतलब संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते, और विश्व के ऊपर तिरते हुए मान लो वही सिद्ध सलाह में विराजमान है वो, और प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान। प्रत्यक्ष उद्योतपने से अंतरंग में सदा प्रकाशमान, अर्थात कि उनको तो स्वयं में ज्ञान का प्रकाश है, तो अंतरंग में ज्ञान के प्रकाश से वो प्रकाशित हैं। अविनश्वर, अविनश्वर अर्थात जिसका कभी नाश ना हो। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको ये जो शब्दावली यहाँ आ रही है, सो यू मे फील इट्स अ डिफिकल्ट, बट यू नो ग्रेजुअली यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दिस शब्दावली, देन यू विल बी वेरी फैमिलियर एंड कंफर्टेबल इन दैट। बट समय सार अगर हम पढ़ रहे हैं तो समय सार पढ़ने में थोड़ा पुरुषार्थ तो लगेगा, थोड़ा हमें अपनी बुद्धि को और पैना करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव टू बी जस्ट मोर कॉन्सेंट्रेटेड टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज समय सार इज नॉट एन ऑर्डिनरी ग्रंथ। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अशरीरी बनाने का ग्रंथ है। तो मैं बीच में आपको ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि आई नो समवन मे फील दैट इट्स डिफिकल्ट एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट डोंट वरी, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी हैबिचुअल, यू विल बी फैमिलियर विद दीज वर्ड्स, टंकोत्कीर्ण, अविनश्वर, स्वतः सिद्ध। है स्वतः सिद्ध शब्द तो कितना बढ़िया है, कौन मुझे कौन मार सकता है भाई, मुझे कौन बना सकता है, कौन मार सकता है, क्यों, मैं तो स्वतः सिद्ध हूं ना, मुझे किसी के सिद्धि की आवश्यकता नहीं, नो वन हैज मैन्युफैक्चर्ड मी, ओके दिस बॉडी कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय माय पेरेंट्स, बट इफ आई टॉक अबाउट माय सोल, आई एम स्वतः सिद्ध, सेल्फ मेड, नो वन हैज सपोर्टेड मी इन द मेकिंग ऑफ माय सोल, सेल्फ मेड सिंस टाइम इमॉर्टल एंड विल रिमेन फॉर एवर, नो वन कैन डिस्ट्रॉय, नो वन कैन प्रोड्यूस इट। तो अविनश्वर और स्वतः सिद्ध, अविनश्वर अर्थात नाश से रहित, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आत्मा ऑफ सिद्ध, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आत्मा ऑफ अदर पीपल, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द आत्मा ऑफ आर सेल्फ, दो हियर वी आर डूइंग स्तुति ऑफ जिनदेव, बट बाय जस्ट टेकिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जिनदेव, आचार्य कुनकुन हियर इज हैविंग इंटेंशन टू टेल अबाउट आर सोल एज वेल, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द व्यू ऑफ शुद्ध निश्चय नय, सो शुद्ध निश्चय नय व्हाट इट सेज दैट दैट यू आर ऑल्सो अविनश्वर, इफ द सोल ऑफ जिनदेव इज अविनश्वर, योर सोल इज ऑल्सो अविनश्वर, इट इज स्वतः सिद्ध, नो वन हैज जस्ट कंस्ट्रक्टेड और मेड योर सोल, बी रिलैक्स एज नो वन इज द क्रिएटर ऑफ योर सोल, इट मीन्स नो वन कैन डिस्ट्रॉय यू, सो बी रिलैक्स कूल एंड काम एंड बी कॉन्फिडेंट दैट एज समवन हैज जस्ट गॉट द हाइजेस्ट पॉइंट ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ पीस एंड प्लेजर एंड इंटरनल प्रोस्पैरिटी, इट मीन्स यू आर ऑल्सो हैविंग द पोटेंशियल टू बी लाइक दैट, इफ यू डेल्व इन टू डीप अबाउट योर सोल यू विल फाइंड दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर बैड कर्माज एंड गुड कर्माज इज नथिंग, नो कर्माज हैज टच एवर टू योर सोल, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यू आर शाश्वत, यू आर स्वतः सिद्ध, एंड परमार्थ से भगवान के ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। भगवान ने अपने ज्ञान स्वभाव में जाना है भाई, आप उन सबसे रहित हैं, और वो जो सिद्ध है ना, जो बन गए हैं, वो भी पर को जान रहे हैं, तथापि वो अन्य द्रव्यों से भिन्न है और वो अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, तो जो ऐसा अनुभव करते हैं वे जितमोह है। तो जितमोह का अर्थात जिन्होंने मोह को, मोह का बलपूर्वक तिरस्कार करके अपनी आत्मा में ही जस्ट डेल्व इन टू द डीप इन द रियलाइजेशन ऑफ हिज सोल, टंकोत्कीर्ण है, उद्योतमान है, स्वतः सिद्ध हैं, अविनश्वर हैं, और जिन्होंने अन्य द्रव्यों से पर द्रव्य को अपने आप को भिन्न अनुभव किया है,
ऐसी जो स्तुति है वो जितमोह स्तुति कहलाती। बढ़िया गाथा चल रही, देखिए कितनी बढ़िया। मैं कहता हूँ हमारे लिए कोई इतनी अच्छी प्रशंसा के शब्द बोले तो किसको पसंद नहीं। कोई कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन उसे अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद होती। इसी तरह से हमारे आचार्य तो पूरे ग्रंथों में, समय सार, प्रवचन सार आदि सारे ग्रंथों में वो हमारी स्तुति कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रशंसा नहीं है क्या कि अविनश्वर हूं मैं स्वतः सिद्ध हूं, मैं परमार्थ रूप हूं, है? मैं जितमोह हूं मैं। हाँ आगे पढ़ते हैं अपन। कुंजन जी आगे का पढ़िए। तो आप जी कहाँ से इस प्रकार से हाँ वो इस प्रकार से, ऐसा है, वो ज्ञान स्वभाव हमने जित मोह तक पढ़ा, राइट? निश्चय से जित मोह जिन है। हाँ इस गाथा में मोह कर्म का नाम लिया। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव इस समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदैव अंतरंग में प्रकाशमान अविनाशी अपने से ही सिद्ध और परमात सत ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति है। इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है, उसमें मोह पद को बदल कर उसके स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नौकर्म मन वचन काय रखकर 11 सूत्र व्याख्यान रूप करना और श्रोत चक्षु ग्राण रसन तथा स्पर्शन इन 5 के सूत्रों को इंद्रिय सूत्र के द्वारा अलग व्याख्यान रूप करना, इस प्रकार 16 सूत्रों को भिन्न भिन्न व्याख्यान रूप करना और इस उपदेश से अन्य भी विचार लेना। हाँ देखिए अब यहाँ कह सौरभ रहे हैं कि जी, एक प्रश्न है यहाँ पे। हाँ बताइए। ये जो लाइन आई ना अभी, जो पहले पढ़ी हमने, कि वेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करके इस प्रकार बल पूर्वक मोह का तिरस्कार करके, जिसमें वेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही, ये दूर से ही का क्या मतलब है? दूर से ही मतलब ये एक एक साहित्यिक भाषा है। दूर से ही मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि शत्रु उसका नाम सुनकर थर थर कांपते हैं, तो एक साहित्यिक भाषा है। वो मेरे पास से निकल के भी दूर से ही चला गया, मतलब उसने इतना इग्नोर किया, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि भेद विज्ञान के बल से दूर से ही अलग कर दिया। दूर से मतलब कि उनने इतना विचार भी नहीं किया उनने कि भाई ये मोह का थोड़ा विचार तो मैं कर लूं, भाई थोड़ा तो रख लूं। दूर से ही अलग कर दिया। हम लोग वो पद्म पुराण का प्रकरण पढ़ते हैं ना, मैं आपको ऑलवेज बताता रहता हूँ कि भाई सीता जी को रावण ने ऑफर दिया कि देखो साहब तुम्हारे राम के पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास कितनी संपत्ति है सुनो, ये इतने राजा मेरे अधीन हैं, इतनी मेरी पटरानियां हैं, इतने महल हैं, इतने ये है। तो कहते हैं सीता जी ने दूर से ही रावण को दूर कर दिया। दूर से ही मतलब वो मन में विकल्प भी नहीं आने दिया इस प्रकार का कि भाई चलो आई विल कंसीडर अबाउट यू, गिव मी अ कपल ऑफ डेज आई विल जस्ट कंसीडर अबाउट। तो मतलब उनसे एकदम विलगित हो गए, अलग हो गए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जो मोह को दूर से ही दूर कर दिया भेद विज्ञान के बल से, अर्थात विचार नहीं किया थोड़ा सा भी कि भाई ये कुछ मेरा है कि नहीं है, ये है इसका। भेद विज्ञान के बल से दूर से ही अलग कर मोह को बलपूर्वक तिरस्कार करके, तो बलपूर्वक उनने उसका तिरस्कार किया है। ओके, समझ गया। तो यानी अपने में प्रवेश ही नहीं करने दिया, बस आया और गया, जैसे उदय हुआ और उसको वेद ज्ञान किया और उसको बस दूर कर दिया। वो होता है ना जैसे क्या होता है, कोई आपसे कोई बात कहे साहब आई हैव जस्ट टोल्ड यू सीक्रेट ऑफ माय लाइफ एंड आई एम रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज डोंट रिवील इट टू एनी वन। तो अपन जो समझदार होता है वो क्या कहता है, नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए मैं भी भूल गया बता के, आपने बताई मुझे जो बात ना मुझे भी याद नहीं है,
सो डोंट वरी दैट योर सीक्रेट विल बी आई विल जस्ट कीप इट विथ सेफ्टी. तो भूल गया का मतलब भाई एकदम सेफ है आपकी बात, आप चिंता नहीं करो. तो ऐसे ही आए कि भाई दूर से ही दूर कर दिया उनको, मतलब एकदम पास पास में नहीं आने दिया उसको, सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया उनने. तो जो इस विधान से जो मोह को तिरस्कार किया है, मोह का तिरस्कार किया है. अच्छा, मोह का तो तिरस्कार किया है, और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न जो आत्मा है ना, उसका अनुभव किया है. तो देखिए, जितमोह क्या होता है हम उसको समझते हैं थोड़ा सा. मोह कर्म का तिरस्कार करके और जो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा के द्वारा परद्रव्यों से अपने आप को, स्वयं को भिन्न जो अनुभव करना होता है उसे बोलते हैं जित मोह, अर्थात जिसने मोह को जीत लिया है. हमें भी जित मोह बनना है, हमारे पास भी जो समस्या है, सो वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ राग, राग की समस्या हम फेस कर रहे हैं. देखिए, एक अपना अभी मूलाचार का मैंने एक उदाहरण दिया था, मैं गाथा भूल गया कौन सी गाथा है, उस गाथा में कैसा कहा है सुनिए कि साहब, संसार में समस्त जीवों को दुख किस चीज से होता है, सारा संसार संकट में और दुख में किस चीज से फंसता है. तो उनने कहा, चार 4 इंच की जिह्वा इंद्रिय से और 4 इंच की जनन इंद्रिय से, अर्थात बोलना और काम भाव, ये दो भावों से संसार दुखों में फंसता है. तो जिसको दुख नहीं चाहिए वे इन दोनों पर नियंत्रण करें, मतलब संयम से रहें, अपनी जिह्वा इंद्रिय पर कंट्रोल रखें. तो जिह्वा पर मतलब कि बोलने बोलना भी आ गया, और साथ में जो रसना इंद्रिय का जो मतलब भोजन करने का जो विषय ग्रहण का जो बहुत इच्छा होती है ना, तो हमारी जिह्वा इंद्रिय से ही तो हमें स्वाद आता है, और काम इंद्रिय का सबको पता ही है. तो वो कह रहे हैं साहब, दो चीज से ही संकट में फंसता है आदमी. तो कह रहे हैं मोह को छोड़ो भाई. अब मोह को कैसे छोड़ें, तो यहाँ बताया कि जो जीव परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करता है और मोह का तिरस्कार करता है. तिरस्कार करता का मतलब समझ गया ना, तिरस्कार मतलब कि देखता ही नहीं उसकी तरफ, ध्यान ही नहीं देता. अब उसे अपना अवलंबन मिल गया है, वो उसे पता है कि मेरा अवलंबन तो मैं ही हूं, नो वन कैन सपोर्ट मी टू गेट रियल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन माई लाइफ एक्सेप्ट माई सेल्फ. ये उसे एकदम पक्का विश्वास हो गया है कि मैं अविनश्वर हूं, मैं स्वतः सिद्ध हूं, मैं परमार्थ से ज्ञान स्वभावी हूं. एक आप लोगों ने बुक के बारे में सुना होगा, थिंक एंड ग्रो रिच, ये आपके यूएस की एक राइटर हुए हैं, नेपोलियन हिल. तो ये हिस्ट्री की ना सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है, मेरे ख्याल से उनने ये 1940 में लिखी थी, और इसको लिखने में ना उनको 25 साल लगे थे. जब सामने आई दुनिया के तो पूरी दुनिया पागल हो गई, ऐसी बुक लिखी उन्होंने. वो वैसे आप लोग पढ़ेंगे तो हमें नहीं लगेगी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन अभी भी उसकी बहुत कॉपीज बिकती हैं, थिंक एंड ग्रो रिच की. क्या है साहब उस बुक में, क्या है बता देता हूँ, उनने काफी जगह उनने एक ऐसा फेथ का प्रकरण लिया, श्रद्धान वाला लिया. तो वो ऐसा बोलते भी हैं कि साहब, योर फेस कैन जस्ट मेक मिरेकल्स इन योर लाइफ, एंड इट इज ओनली द मिस्टीरियस फोर्स बाय विच यू कैन बी जस्ट, यू कैन हैव द रिचेस, यू कैन जस्ट अक्यूमुलेट रिचेस. ऐसा बोलते हैं कि साहब, आप श्रद्धान रखो साहब अपने ऊपर, सो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, मतलब वो फेथ इज अ इटर्नल इटर्नल एंड एक्सटर्नल पावर विच जस्ट कैन गिव यू लाइफ एक्शन. साहब उनने जब फेथ की बात बताई, और ऐसी काफी सारी किताबें हैं, बिलीव योर सेल्फ ऐसे, बिलीव इन योर सेल्फ ऐसे, बहुत सारी, लेकिन ये जो फेमस हुई है थिंक एंड ग्रो रिच, मैं तो उसका बता रहा हूँ. कोई नई बात नहीं बताई, हम मैक्सिमम बातें अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके कई बार. सो ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट माय सब्जेक्ट,
बट द सब्जेक्ट आई हैव टेकन फ्रॉम जिनवाणी, तो वो साहब उनने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, तो लोगों ने कहा साहब उनने अपनी श्रद्धान की जो ताकत की बात की ना, वो हमें बहुत अच्छी लगी, एंड दैट इज द सोल ऑफ दैट बुक, एंड दैट इज द की टू हैव टू गेट सक्सेस इन आर लाइफ। यहाँ कह रहे भैया हमें लौकिक में आप कितनी उन्नति प्राप्त करते हैं कितनी नहीं करते हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि उसमें तो हम ऐसा मानते हैं कि इफ यू आर थिंकिंग दैट आई एम अर्निंग मनी मोर मोर एंड मोर मनी ऑन द बेसिस ऑफ माई इंटेलिजेंस एंड विजडम, सो इट इज नॉट ट्रुथ, इट इज डेल्यूजन ओनली, बिकॉज व्हाट द रिचेज वी जस्ट एक्यूमुलेट इन आर लाइफ, दैट इज ओनली रिजल्ट ऑफ आर पूर्व कर्म। बट हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द श्रद्धान। श्रद्धान मतलब मेरा मुझ पर श्रद्धान, मैं अविनश्वर हूं, मैं अंतरंग से प्रकाशमान हूं। जब ऐसा वो विचार करता है तो मोह का तिरस्कार कर देता है, मोह ऑटोमेटिक तिरस्कृत हो जाता है, ह्यूमिलेट हो जाता है वो। और जब कोई हमारे घर आए और हम उसकी तरफ देखें ही ना, हम बात ही ना करें, देखें ही ना, इट मीन्स कंप्लीटली सॉलिड इग्नोरेंस। सॉलिड इग्नोरेंस में वो वहीं चला जाता है, वो कहता है भाई यहाँ तो अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपसे हमने पूछा कि क्यों वो व्यक्ति आए थे, तो आपने देखा क्यों नहीं उनको? अरे नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे ध्यान ही नहीं आया, मैं तो एक भारत के प्रधानमंत्री आए थे, मैं तो उनमें बिजी था उस समय, तो मैं क्यों देखता उनकी तरफ। इसी तरह से दोज पीपल, दोज अ पर्सन हु इज जस्ट रियलाइजिंग हिज सोल एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन हिज सोल, तो उसने दूर से ही मोह को तिरस्कार कर दिया, उसने भगा दिया मोह को, उसने ध्यान ही नहीं दिया उसने। तो उन व्यक्ति को बोलेंगे हम जित मोह, है ना? तो हमारा यही चल रहा है अभी, 31 नंबर की गाथा जो जित मोह। आप लोग ये सेंटेंस, ये वाला जो वर्ड ना याद रखना, जितेंद्रिय और जित मोह। कैसे हैं जिनदेव, इफ समवन आस्क टू यू दैट कैसे हैं आपके जिनदेव, तो आप कहना आई कैन गिव माई आंसर इन ओनली 3 वर्ड्स, हमारे जिनदेव जितेंद्रिय हैं, जित मोह हैं, और आगे आया कि साहब क्षीण मोह भी हैं। तो क्षीण मोह तो ऐसा है कि जब वही आत्मा अपने स्वभाव का की भावना भली भांति अवलंबन करके जो मोह कर्म है उसका विनाश कर देता है, और फिर अब उसका मोह कर्म का कभी उदय ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से मोह कर्म का जब पूर्ण विनाश हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और वो परमात्म पद को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति क्षीण मोह जिन कहलाने लगता है। मतलब अब मोह कभी उदय नहीं आएगा, मोह कर्म उनका जो मोहनीय कर्म है वो परमानेंट चला गया, इट हैज बीन इरेडिकेटेड बाय द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ दैट सोल एंड विल नेवर कम बैक, तो वो कहलाते हैं क्षीण मोह। तो ऐसे ये तीसरे प्रकार की जो स्थिति है वो जितेंद्रिय जिन, जित मोह और क्षीण मोह जिन। 33 नंबर की गाथा में है कि क्षीण मोह जिन। तो एक हमने यहाँ ये लिया है, और इसकी आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी अभी हम लोग इतना समझ लें कि अभी तो आचार्य हमें जिनदेव की स्तुति करना ही सिखा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि शरीर की स्तुति जो है वो सही है, लेकिन व्यवहार से है, और आपको निश्चय से स्तुति करनी है तो आप जिनदेव की ऐसी स्तुति कर सकते हैं, हे जिनदेव आप जितेंद्रिय हैं, हे जिनदेव आप जित मोह हैं, हे जिनदेव आप क्षीण मोह हैं। इस प्रकार से ये हुई अपनी निश्चय से स्तुति। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो हम लोग जिनवाणी स्तुति लेंगे। जिनवाणी स्तुति लेते हैं। निजने दीन जमे बताई यह अनंत उपकार है, तुझे लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी बहुत अच्छे से समझ में आया, और ये तो और भी बहुत ही डीप बातें हैं, तो धीरे 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 इसको पूरे वीक में
वापिस वापिस दोहराना पड़ेगा, ऐसा है ये। हाँ हाँ आप लोग क्लास पढ़ने के बाद यू कैन जस्ट पॉन्डर ओवर इट एंड डीपली यू कैन थिंक अबाउट इट एंड कैन जस्ट गेट मैनी थिंग्स व्हाट वी हैव जस्ट नॉट डिस्कस इन अ क्लास बिकॉज देयर इज अ टाइम लिमिटेशन इन अ क्लास. यू कैन नो मोर एंड मोर एंड द पढ़ने से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ना वो महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने अंदर ये विश्वास कैसे लाएं कि भाई मैं अविनाशी हूं, मैं स्वतः सिद्ध हूं, मैं टंकोत्कीर्ण हूं. चलिए मिलते हैं हम अगली बार, तब तक के लिए ठीक है जय सर, जिनेंद्र. जय जिनेंद्र, थैंक यू सर। तो